भागलपुर की बेटी के मुरीद हुए प्रधानमंत्री मोदी। भागलपुर की रहने वाली अपूर्वा ने दिल्ली के संसद भवन में बिहार का प्रतिनिधित्व किया। दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित दिल्ली के संसद भवन में एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के सभी राज्यों से प्रतिभागी ने हिस्सा लिया था। संवाद कार्यक्रम में भागलपुर की बेटी अपूर्वा ने बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र की जीवनी पर जोरदार भाषण दिया। इस दौरान संसद भवन में मौजूद लोगों ने अपूर्वा की तारीफ की और देश के प्रधानमंत्री मोदी ताली बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। अपूर्वा मूल रूप से बांका के चटमाडीह की रहने वाली है। अपूर्वा के पिता मृणाल शेखर और माता प्रीति शेखर भागलपुर के विक्रमशिला कॉलोनी में रहते हैं। अपूर्वा की प्रारंभिक पढ़ाई भागलपुर की निजी स्कूल से हुई है। वर्तमान समय में अपूर्वा जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रही है। अपूर्वा के पिता मृणाल शेखर अमरपुर विधानसभा से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। वहीं माता प्रीति शेखर शहर में प्रखर प्रवक्ता के रूप में जानी जाती हैं। अपूर्वा के दादाजी स्वर्गीय गुणेश्वर प्रसाद सिंह बिहार सरकार की शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। संसद भवन में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र प्रतिभागी अपूर्वा की चर्चा पूरे शहर में हो रही है। शहर में बुद्धिजीवी अपूर्वा के घर पहुँच कर शुभकामनाएं दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अपूर्वा। जैसा कि आज आप सभी को पता है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जन्म जयंती पूर्ण हो चुकी है। इस सुनहरे अवसर पर मुझे बिहार को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, वो भी पार्लियामेंट में इतनी कम उम्र में, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सबसे खुशी की बात यह है कि अभी तक पूरे जितने भी लोग यहाँ एक एक स्टेट से, मतलब हर स्टेट से एक एक रिप्रेजेंटेटिव है, सबसे छोटी मैं हूँ। और इस कम उम्र में इतनी बड़ी ऊँचाई हासिल करना बहुत बड़ा बात है मेरे लिए। तो आज हम लोग पहले तो पार्लियामेंट गए, वहाँ लोकसभा राज्यसभा देखा, उसके बाद हम लोग का स्टार्ट हो गया स्पीच। फिर हम लोगों ने सेंट्रल हॉल गए और वहाँ पे बहुत बड़े डिग्निटरीज आए, जैसे नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, ओम बिरला जी, ऐसे बहुत सारे डिग्निटरीज थे। फिर हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाई, बातें की, उसके बाद फिर हम लोग वापस लंच किए पार्लियामेंट में। फिर उसके बाद हम लोग पीएमओ गए, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस, उसके बाद वो वहाँ आए, उनके साथ फोटोग्राफ्स क्लिक हुआ एंड उसके बाद उन्होंने इंटरेक्ट किया हम लोग के साथ एक घंटा, जिसमें कि उन्होंने हमसे लाइक अनेक सवाल पूछे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताए, वो बताए कि एक सच्चे देशभक्त की पहचान क्या है। और ये बहुत बड़ा मौका था, लाइक बहुत बड़ा अवसर था मेरे लिए और वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट आई कैन एवर एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। सो इसका पूरा श्रेय मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली, सबको जाता है। और बस आप लोगों का आशीर्वाद ऐसा ही हमेशा बना रहे मेरे पर और मैं ऐसे ही कामयाबी हासिल करती रहूं और आपका बिहार का और पूरे भारत का नाम ऐसे ही ऊंचाई पर पहुंचाऊं। धन्यवाद। मेरे लिए खासकर अपूर्वा की माँ के तौर पर आप, मुझे बहुत खुशी हुई मेरी बेटी ने आज बिहार का प्रतिनिधित्व करके संसद भवन में उसने अपना प्रतिनिधित्व किया। और आदरणीय प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, रक्षा मंत्री और भी अन्य डिग्निटरीज के सामने उन्होंने सेंट्रल हॉल में उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व किया बिहार की ओर से। और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि जो पूरा समूह, पूरे देश से जिन 23 बच्चों का चयन हुआ था, उसमें सबसे छोटी मेरी बेटी रही और इतने कम उम्र में इसने ये मुकाम हासिल किया, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। और मैं इसके लिए ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि ये आगे भी इसी प्रकार से इसे कामयाबी मिले और ये देश के लिए गौरव का कार्य करते रहे। इनसे हम सबों को एक जो इसने हर्ष और खुशी का जो एक अवसर प्रदान किया है वो सदैव करती रहे। और मेरे लिए अपूर्वा को बहुत सारा आशीर्वाद है और इसी प्रकार से आगे बढ़ते